नमस्कार, मेरा नाम अमिताभ मिश्रा है। मैं माहौल फ्रेम से बात कर रहा हूँ और मेरे साथ आज है दिबेंदु भट्टाचार्य। दिबेंदु यूँ तो दो दशकों से सिनेमा में है और हमने इनको कई रोल में दो दशकों से देखा है और सारे रोल्स चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो अपनी एक पहचान छोड़ के गई है। आपने एतबार से अपना करियर चालू किया था, फिल्मी करियर, और उस दौरान उस सफ़र से गुजरते हुए कई सारे भूमिकाएं निभाई जो कि यादगार है, चाहे वो ब्लैक फ्राइडे में हो, चाहे देवडी में चुनी बाबू का किरदार रहा हो, बीए पास में जॉनी का किरदार रहा हो, और इस सफर से आगे बढ़ते हुए अभी हाल के दिनों में जो वेब सीरीज़ किया है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे आपने, चाहे वो क्रिमिनल जस्टिस में आपने तालुकदार का किरदार किया हो, या अभी हाल ही में आई हुई अनदेखी जिसमें आपका डीएसपी, मैं खास तौर पे बोलूँगा डीएसपी का किरदार है जो काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी सराहा गया है। और इस ऐसा लग रहा है कि सर ये पूरी जो दशक दो दशक की आपकी यात्रा रही है 20 साल की, आप एनएसडी से ग्रेजुएट हैं लेकिन इससे पहले भी आप थिएटर से जुड़े हुए रहे हैं। कलकत्ता के आपके दिनों में आपने थिएटर किया है, आपको खिताब से नवाजा गया था वहाँ भी। तो हम बहुत सर वी आर वेरी लकी टू हैव यू हियर एंड विल बी टॉकिंग अबाउट योर जर्नी कोलकाता के दिनों से लेके बम्बई तक दिल्ली होते हुए, इस पूरे सफ़र को समझेंगे, आपके लाइफ को, आपके किरदार को, सब कुछ। तो सर वेलकम, क्या आवाज बीच बीच में जा रही है, वेलकम टू द इंटरेक्शन सर। थैंक यू सो मच अमिताभ फॉर कॉलिंग मी ऑन योर शो एंड टॉकिंग टू यू, इट विल बी अ ग्रेट प्लेजर। यस सर, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू सो मच सर। मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं अनदेखी देख रहा था और अनदेखी में एक बहुत ही अच्छा सीन है जिसमें आप कहते हैं दिस इज गोइंग टू बी अ टर्बुलेंट फ्लाइट, एक सीन के दौरान आपका डायलॉग है। तो सर वो आपकी जो यात्रा रही, आपकी जो जर्नी रही है सिनेमा की या लाइफ की, हैज इट बीन अ टर्बुलेंट फ्लाइट? टर्बुलेंट फ्लाइट एक ऐसा सिचुएशन होता है जब टर्बुलेंट फ्लाइट में बैठते हो तो उस टाइम अपने आप को सेन रखने की कोशिश करते हैं कि अरे यार इस टाइम रविंद्रनाथ टैगोर के गाने पोएट्री है तो उनमें कहा गया कि विपदे रक्षा करो इनहे मोर प्रार्थना, विपदे अमी आजन करी भर, मतलब अगर विपदा जब आती है तो उस टाइम मेरा प्रेयर ये नहीं होता भगवान ईश्वर के पास कि मुझे रक्षा करो, मेरा प्रेयर यही होता है कि मैं ये कहता हूँ कि इस विपदा के टाइम में मुझे निडर रखो ताकि मैं बौखला ना जाऊँ। तो ये जो टर्बुलेंट फ्लाइट की जो बात है, जब ये जिंदगी की जर्नी की जो बात होती है, तब आपको यही हौसला अफजाई के साथ चलना पड़ता है अपनी जिंदगी में कि आप डरे ना और चलित ना हो, और ये नहीं प्रार्थना करना है कि मुझे रक्षा करो प्रभु, मुझे रक्षा करो प्रभु, मुझे ये सबकी जिंदगी में आता है, एक टाइम तो ये टर्बुलेंट के टाइम तो आता ही रहता है, तो आप उस टाइम ये प्रे करते हो कि आप निडर रह के इसका मुकाबला करो। तो मेरी जिंदगी में, मेरे जाती जिंदगी में मुझे ये 20 साल तो आपने सिनेमा के इतिहास बताया 1988 से मैं थिएटर कर रहा हूँ लगातार रेगुलरली, तो वो भी एक जर्नी है। तो मेरी जो जर्नी है वो बहुत एक लंबी, अभी मतलब लगभग 30-32 साल की जो करियर की थिएटर की जर्नी, मेरी उम्र से ज्यादा है। हाँ जी, आपकी पूरी यात्रा मेरी उम्र से ज्यादा है। तो अब क्या करें, आप वो 30-35 दिवाली ज्यादा देख ली मैंने आपसे। तो यही है मामला, मतलब टर्बुलेंट फ्लाइट जो है वो तो टर्बुलेंट फ्लाइट, तो मतलब आप फ्लाइट में जा रहे हैं और अचानक रात को तूफान चल गया तो ऑफकोर्स आपकी फ्लाइट टर्बुलेंस में फंसता है, लेकिन जब आप फिर सुबह जाके या फिर किसी जगह में लैंड करते हो सेफली, उस रात को फिर जिंदगी से आप बोलते हो कि यार ये एक्सपीरियंस था, इसको निकाल दिया जाए, लेकिन
सीरियस तो है एक सीरियस, तो ये जिंदगी के जिंदगी जिंदगी भी आपको यही सिखाती है, जब ऐसी ऐसे टाइम है आए तो आप उस टाइम सीख लो इस टाइम से कि भाई बहुत नाजुक सी चीज है जिंदगी, बहुत ही किसी भी वक्त तो कोई भी चीज मतलब फेम पॉपुलरिटीज तो सारी चीजें वैसे वर्स्ट पे बैठा हुआ रहता है कि वो कभी भी जा सकते हैं, कभी भी वो जो जो इनविजिबल लाइन होता है वो लाइन बहुत वल्नरेबल लाइन है, वो इधर गया तो ये उधर गया तो दूसरा। तो दादा जब बचपन में थे तो बचपन में जब कोलकाता में थे, बड़ा ही रिलैक्स्ड शहर है वो, मतलब मैं खुद बहुत उसके नज़दीक के एरिया से आता हूँ और हमने हर वक्त जो हमारे आसपास भी भद्रलोक रहे हैं उनको देखा है, बहुत ही रिलैक्स्ड हर वक्त सारे कला प्रेमी लोग हैं तो भद्रलोक। हाँ भद्रलोक। तो दादा बचपन कैसा गुजरा, मतलब बचपन में क्या लग रहा था कि कैसा कुछ? लग रहा था मतलब मैंने ऐसे कभी मतलब कि उस टाइम जब बचपन में मतलब बचपन क्या मतलब तो क्लास 10th स्टैंडर्ड के बाद मैंने रेगुलर थिएटर करना शुरू किया, तभी कभी कब कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं बहुत कुछ तोड़ मतलब बहुत खतरनाक कुछ करने वाला हूँ जिंदगी में, ये तोड़ दूंगा घोड़ दूंगा, कोई ऐसा कोई एम्बिशन या गोल ऐसा कुछ था नहीं। चीजें 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 होती चली गई, चीजें बढ़ती चली गई, चीजें यू नो कि फिर मैं भी उसमें ढलता चला गया यू नो कि वो जो ये चाहता तो मैं बहुत कुछ बनना, मतलब मैं स्पोर्ट्समैन भी बनना चाहता था, अच्छा पेंटर भी बनना चाहता था, अच्छा जब भी जो कुछ भी किया था भी शिद्दत से किया, लेकिन होता है ना कि आप एक टाइम के बाद आपको पता चलता है कि ये जो चीज है इसमें आप इतना मतलब मैं मेरा हमेशा यही रहता है कि सोच में कि जो आपका एस्पिरेशन है वो आपको प्रोफेशन नहीं बनना चाहिए, बल्कि जिस चीज में आप अच्छे हो वो आपका प्रोफेशन बनना चाहिए। एस्पिरेशन तो कुछ भी है, कुछ भी कर सकते हो ना एस्पिरेशन के लेवल में, अरे मैं ये करना चाहता था ये करना चाहता था, पर वो उस मामले में आप कितना उस फील्ड में आप कितना माहिर हो और कितना वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है एसेस करना, तो वही है मतलब कि स्लोली स्लोली मैं करता चला गया करता चला, और एक दिन पता चला कि यार ये जो थिएटर है ये जो एक्टिंग है ये शायद एक चीज है जो मैं बहुत अच्छी तरीके से कर सकता हूँ। तो फिर मैं उसके बाद में पढ़ना लिखना चालू किया, फिर मैं एनएसजी गया, मैंने सोचा कि यार ऐसे ही बुढ़िया स्तर उठा के बॉम्बे चले जाना, वो एक पूरा जो हिसाब किताब है वो ना करे थोड़ा सा उनको पढ़ लिख के ओके और उस टाइम में भी ये था नहीं, मतलब जब एनएसडी में दाखिला ले रहा तभी मुझे मेरे दिमाग में ये कभी नहीं था कि मैं मुझे मुंबई जा रहा, क्योंकि मेरा वो एस्पेक्ट था ही नहीं, बॉलीवुड वाला एस्पेक्ट था ही नहीं मेरा, तो दैट इज व्हाई आई बिलोंग टू इंडिया, आई बिलोंग टू इंडियन फिल्म इंडस्ट्री राइट, जो कि मतलब सो तो वो जो आप एक एस्पिरेशन की बात कर रहे थे तो कुछ एस्पिरेशन कुछ अलग भी था, मतलब कभी ऐसा लग रहा था कि नहीं कुछ और करें, मतलब आर्ट और स्पोर्ट्स ये तो हॉबीज है लेकिन कुछ एस्पिरेशन कुछ और बनने की थी क्या? नहीं एस्पिरेशन कुछ ऐसा बनने का भी नहीं था, मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि एस्पिरेशन आर्ट एंड फील्ड में ही था, मतलब ऐसा नहीं था बीच में मेरे को वैसे बीच में मतलब ऐसा लगता था बिकॉज एक बार कभी बचपन में होता है ना कि आपको मतलब कि आपको एस्ट्रोनॉट बनने का सपना लगता है कि लगे यार एस्ट्रोनॉट बन सकते थे यार, और उसके लिए आपको गणित में मैं बहुत ही खराब था बहुत बुरा था, तो उनके मैथ वैथ तो हाँ, तो फिर वो वही मैं कह रहा हूँ ना कि आपका एस्पिरेशन मान लो कि आप जब मैं तबला बजाता था बचपन में तो मतलब बाई डिफॉल्ट आपको घर में आपकी आपकी बहन अगर डांस करती कथक सीखती है तो भाई तबला बजाएगा, वो ये बंगाली फैमिली में ऐसा बहुत सारी चीजें है जो, और तो उस टाइम जब मैं तबला बजाता था जब मैं क्लासेस में जाता था जब मैं अपने गुरु जी को देखता था कि वो बजा रहे और तब मेरे को कभी वो ये भी लगता था कि मैं बहुत अच्छा तबला बजा बनना चाहता हूँ, काफी बड़े बड़े लोगों को बजाते हुए देखा मैंने कांता कांता प्रसाद जी
अल्लाह खान साहब, ऐसे जाकिर हुसैन, शंकर घोष, ज्ञान प्रकाश घोष, तो बचपन में आप मैं कह रहा हूँ कि ऐसे आप जिस माहौल में पैदा होते, तो मतलब रोज जो म्यूजिक मैं कर रहा था तब भी, तब मैं उसमें मैं घुसा हुआ था, मतलब मैं ऐसा नहीं कि मैं ऊपर 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 कर रहा हूँ, उसमें भी घुसा हुआ था। मुझे ऐसे शो देखना, ऐसे जाना, मतलब लड़के से हमारे वहां तो बहुत ही कलकत्ते में आपको तो मालूम है कि किसी भी जगह में ऐसे शोज होते रहते, तो कलामंदिर में जब मैं शो देख रहा हूँ तब कभी कभी मेरे अंदर ये भी ख्याल आता है कि अरे मैं बहुत ऐसा ऐसे तबला बजाना चाहता हूँ, ऐसे लोग वाहवाही गए, अरे यार इसके लिए बहुत खतरनाक रियाज की जरूरत होती है, वो तबला और तबला हमें उतना ही बजा सकता था मुझे, जितना बजाया मैंने जिंदगी में उससे आगे भी जा सकता। आपका वही चक्कर है कि आपका एस्पिरेशन, कभी कभी बहुत एस्पिरेशन होते हैं, उनको एस्पिरेशन आपके प्रोफेशन नहीं होना हो सकता है, आपका प्रोफेशन वही हो सकता है कि जो आपका एस्पिरेशन भी है और जिसमें आप अच्छे भी हो। बिल्कुल, तो ये जब कलकत्ता में जब आप थिएटर 10वीं क्लास से आपने चालू कर दी थी, 10th क्लास से स्टार्टेड द थिएटर, तो वो कैसा मतलब उस समय, तो मतलब पास कर गया, मतलब बोर्ड्स खत्म हो जाने के बाद मतलब बाकी बाकी लोगों की यादें रहती हैं कि यार 11th में इतने नंबर आए, इंटरमीडिएट में इतने नंबर आए, दिबेंदु दादा कहे हैं कि यार मैंने 10वीं के बाद थिएटर चालू कर दिया, तो वो कैसा रहता था उस टाइम में? क्या क्या तो वो अनुभव कैसा रहा, एक्सपीरियंस कैसा रहा उस जमाने में जब आप? यार वही तो मैं कह रहा हूँ, तो अनुभव मतलब उस टाइम ऐसा कोई सोचते थोड़ी ना है, वो है ऐसा टाइम, ऐसा एज ग्रुप है, मतलब आपका बस करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, आपको आपको कतई किसी चीज का ख्याल नहीं रहता, ना तो आगे की चिंता है, बस आपको आगे बढ़ना है, सीखना है, करना है, वही ड्राइविंग फोर्स था, मतलब ऐसा कुछ था नहीं, आगे कुछ सोचा ही नहीं कि जिंदगी में इतने पैसे कमाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, ये करेंगे, कुछ नहीं, कुछ नहीं, जस्ट ए रेगुलर बिजनेस, सुबह उठना है, कॉलेज जाना है, रिहर्सल में जाना है, बस यही सब, ऐसे उसी में लगा रहता था। फिर वहां से एनएसडी जाने का ख्याल कैसे आया? मतलब ऑब्वियसली हर थिएटर करने वालों का एक रहता है कि वो एक मक्का है एक तरीके का, बट आपकी स्टोरी क्या रही? हाँ, मक्का मक्का जो इस मक्के के बारे में मुझे इतना पता नहीं था कि मैं इतना रिलीजियस आदमी नहीं हूँ, तो ये मक्के के बारे में तब पता चला कि जब मुझे थिएटर के बारे में पता चलना शुरू हुआ, मैं करना चालू किया और मैं कुछ कुछ चीजों में अच्छा हूँ और मुझे मेरा हमारा ये दल, हमारा जो ग्रुप था, वो कुछ कुछ जगह में जाके हम कंपटीशन में हिस्सा लेते थे और हम फर्स्ट आते थे, मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलता था, बेस्ट डायरेक्टर भी मेरे ग्रुप के मेरे दोस्त को मिल जाता था, तो बेस्ट ड्रामा, तो सब तो पता चला शुरू हुआ था कि इस, ये जो ही मैं कह रहा हूँ, ये पता चला शुरू हुआ कि हाँ मैं इसमें अच्छा हूँ, मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे अवार्ड मिलना, रिवॉर्ड मिलना शुरू हो गया था, अवार्ड मिलना शुरू हो गया था, ताकि मैंने सोचा कि यार, तब मैंने पता लगाना शुरू किया, मुझे एफसीआई के बारे में ज्यादा पता था, एनएसडी के बारे में कम पता था, तो मैंने भी पता लगाना शुरू किया कि नाटक रंगमंच के लिए, तो उन्होंने बोला कि एनएसडी नेशनल प्लेटफॉर्म, तब उन्होंने ये भी बताया कि भाई एनएसडी इज अ पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्स, तो आपको ग्रेजुएट होना मांगता है, तो फिर मैंने ग्रेजुएशन क्लियर किया, एनएसडी चला गया। अच्छा, तो वो है कि मेरा एनएसडी की तरफ रुझान का एक कार्यक्रम, अदरवाइज फिर मेरे को बाद में चला गया कि बाद में पता चला कि ये तो मक्का है, उन्होंने इसको रिलीजन समझ के रखा है, ये तो मक्का है, हाँ ये तो मक्का है, तो बाद में पता चला कि लोगों ने 50 बार, 4 5 बार कोई किसी ने ये किया है, आपका एंट्रेंस देने की कोशिश किया, उस बाद उसका नहीं हुआ, मैं कह रहा हूँ कि ये आपका तमन्ना है, तब देखिए आपको आपको हो जाए, पर एक ये भी एक होता है कि आपका वो इतने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में 20 लोगों का ही उस टाइम दाखिला होता था, तो उसके ऊपर जा नहीं सकते थे, कैपेसिटी नहीं था, उस स्ट्रक्चर ऐसा करके बनाया जाता है, एवरीबॉडी इज अ स्कॉलरशिप होल्डर, राइट, तो वही मैं कह रहा हूँ कि मक्का बनाने की जरूरत नहीं, इट्स अ फैंटास्टिक इंस्टीट्यूशन, इट्स अ थिएटर मॉडल, इट्स वाइज अ मदर इंस्टीट्यूशन, इट इज लाइक इट इज चांस मिलना, और चांस मिलकर उस चांस को बखूबी इस्तेमाल करना आपका काम, आपका धर्म हो जाता है, क्योंकि एनएसडी एक ऐसी जगह है कि वो
वो आपको साजिश करने का इतना मौका देता है कि इतना खतरनाक लाइब्रेरीज है तो आप जाओ बस 24/7 आप बस इसी के साथ जुड़े रहो। और मुझे से आगे की तो मतलब बोलो कि वो जा एक रिवॉल्यूशन था यार, ऐसा जगह है कब जा ये तो सुमित बिल्कुल। तो निकल गया वो 3 साल। तो एनएसडी के दिन कैसे थे, मतलब कौन कौन से आपके बैचमेट रहे, कैसा रहा वो एनएसडी का सफर? कोलकाता से एक दादा दिल्ली आ रहे हैं और एक परिपक्व इंस्टीट्यूशन में दाखिला ले रहे हैं थिएटर के बैकग्राउंड के बाद। हाँ मतलब एनएसडी जब आया, एनएसडी आने के बाद मेरे बैचमेट में काफी बहुत लंबा चौड़ा बैच मतलब 20 लोग थे। मैं सबका नाम आपको सबका नाम बोले सारे 3 साल गुजारे मैंने। असीम दास फ्रॉम स्टूडेंट फ्रॉम बांग्लादेश, जया सील फ्रॉम आसाम, राजपाल यादव, मनोज गोयल, मनोलाल तेरी, रविजीता गोगोई, जसपाल मेरा एक दोस्त, जसपाल सिंह, राजीव कुमार, शमीम, सुनीता रजवार, गौतम मजुमदार, दौलत राम वैद, अशरफुल हक, अरे यार अशरफुल हक, अशरफ ऑफकोर्स मेरा भाई जो अभी है नहीं हमारे बीच, उनका पिछले साल ध्यान हो गया था। अशरफ वो सारे बेहतरीन दोस्त मित्र एक साथ 3 साल गुजारे हमने बिताए। ममता भट्ट भी एक थी हमारे बैच में जो बीच में छोड़ के चली गई थी, छोड़ के चली गई थी। तो क्या दिल्ली कैसा रहा, मतलब कोलकाता से दिल्ली पहुंचे, एनएसडी का दौर, मतलब एक तो होती है पढ़ाई लिखाई जो आप सीखते हैं, कला क्राफ्ट सीखते हैं, उसके अलावा हाउ वाज योर स्टे, हाउ वाज योर 3 ईयर स्टे इन दिल्ली? फैंटास्टिक यार दिल्ली, मतलब हम लोग बंदी हाउस में वो बिल्कुल कल्चरल हॉटस्पॉट है, बिल्कुल तो चारों तरफ थिएटर ऑडियंस थिएटर ऑडिटोरियम है, मतलब कवानी ऑडिटोरियम, श्रीराम सेंटर, बिल्कुल और 2 कदम चल के जाओ तो आपको कनॉट प्लेस मिल जाता है। तो भैया और एनएसडी में रहते हुए आपको आपके आसपास सारे एम्बेसीज है, जो फ्रेंच एम्बेसी, ब्रिटिश एम्बेसी, अमेरिकन एम्बेसी, जर्मन एम्बेसी, तो सबके एम्बेसी का अलग अलग कल्चरल प्रोग्राम चलता है, फिल्म फेस्टिवल होता है, तो आपको आप आराम से आपको दाखिला मिल जाता है, आपको आप अंदर घुस सकते हो, आप पिक्चर देख के आ सकते हो। उसमें 3 साल तो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि 3 साल इसलिए खतरनाक है दिल्ली में, रेवोल्यूशन है, हेवन एकदम था, एक गोल्डन टाइम ऑफ माय लाइफ। सो व्हाट आफ्टर एनएसडी, जैसे एनएसडी खत्म किया तब क्या लगा, अब क्या करना है? थिएटर तो आपके लिए नया था, के बाद मैं एनएसडी रेपर्टरी कंपनी के साथ जुड़ गया था, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रन मंडल उसके साथ जुड़ गया था, क्योंकि वो कुछ एक्टर्स होते हैं जो बाहर चले जाते हैं, कुछ एक्टर्स होते हैं जो जिनको एनएसडी तो अंदर ही अंदर आपको पता चल जाता है कि देयर इज लाइक
आफ्टर दिस कोर्स यू कैन वर्क विद रिपोर्टरी कंपनी एज एन एक्टर, तो मैं वो चाह रहा था करने, बिकॉज एनएसडी रिपोर्टरी कंपनी भी अलग एक अलग हिस्ट्री है, बहुत बड़े बड़े महर सिंह जैसे बड़े बड़े उत्तर अबावकर मनोहर सिंह सुरेखा सिंह जैसे बड़े बड़े एक्टर्स, शिवल व्यास, तो ये सब बड़े बड़े एक्टर्स जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एनएसडी रिपोर्टरी के साथ काम करके, मुझे लगा था यार ये भी 3 साल यहाँ भी काम करके जाना चाहिए, बिकॉज एज एन एक्टर आपको फ्लरिशमेंट का मौका मिलता है, बिकॉज सारे बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, पुराने प्लेयर्स का कभी कभार रीमेक होता है, तो उसमें भी आपको रिकास्ट किया जाता है, तो फैंटास्टिक एक्सपीरियंस, तो मैं 3 साल बहुत मजे से बिताए। उसके बाद फिर उस 3 साल के बाद का फिर कैसा रहा? बार 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 उसके बाद फिर 2000 में छोड़ दिया वो काम, उसके बाद बॉम्बे आने के लिए तैयारी कर रहा था, तो मुझे दिल्ली में एक फिल्म मिलती थी मानसून वैली, बस फिर मानसून वैली किया, मानसून वैली करने के बाद सीधा बॉम्बे आ गया, फिर बॉम्बे में काम कर लीजिए। अच्छा, मतलब आप फिर वही जिंदगी, फिर ऐतबार, फिर फुटपाथ, फिर हजर भाई से अब तक छप्पन, मंगल पांडे, दृष्टि, प्रोफेसर, तो भी चलता रहा बस। मतलब आपकी जर्नी फिर भी उस हिसाब से काफी एक अच्छी रही कि रंगमंच से हर वक्त जुड़े रहे। कुछ कहानियां हम सुनते हैं जहाँ लोग कहते हैं कि वो प्लेटफॉर्म पे पहुंचे और कुछ रातें ऐसे फुटपाथ पे गुजारनी पड़ी, एक वो कुछ स्ट्रगल की वैसी कहानियां भी हैं, तो फॉर्चुनेटली वो तो अपनी 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 कहानी है, अपनी अपनी अपना अपना स्ट्रगल है। मतलब मुझे ऐसे अभी तक तो वो नहीं था कि मैं उसके बाद सीधा एनएसजी रिपोर्टरी कंपनी किया, तो वो सैलरी जॉब था मेरे लिए, तो मेरे पास प्रोविडेंट फंड बची थी, 3 साल में जमा भी हुए थे, वो सारी चीजें लेके ही आ गया था बॉम्बे, तो मैं आया था, घर लिया था, तो मतलब किराए पे बहुत हमारे उस टाइम, मतलब पहले तो मैं एक दोस्त के साथ किराया शेयर कर रहा था, 1900 रुपये किराया हो रहा था उनका, तो उसमें से दोनों का दोनों शेयर कर लेते थे। उसके बाद मैं अकेला ही शिफ्ट कर गया था, 1500 रुपये किराया था मेरा, तो उस टाइम के लिए काफी था, लेकिन वही मतलब कर लेते थे, मैनेज कर लेते थे। तो फर्स्ट फिल्म मीरा नायर जैसी डायरेक्टर, मतलब मॉनसून वेडिंग जो अपने आप में एक लैंडमार्क सिनेमा रहा, तो कैसा था वो अनुभव, कैसा था उनके साथ काम करने का उसमें? सलाम बॉम्बे सब तो देखे हुए थे, तो हाँ एक मजेदार एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छा था, अनुभव था, और काफी अच्छा विजनरी डायरेक्टर है, तो मैं या तो लकी कहूंगा या वो डायरेक्टर की पारखी नजर कहूंगा कि उन्होंने आपको देखा है। मीरा नायर के साथ काम किया, सुधीर मिश्रा, विक्रमादित्य मोटवा ने, सारे जो एक अच्छे किस्म का बहुत ही बेहतरीन सिनेमा जिन लोगों ने बनाया है, विशाल भारद्वाज, मकबूल में आप उनके साथ थे, अनुराग कश्यप, ब्लैक फ्राइडे, तो ये मतलब एक तो बहुत ही मज़ेदार अनुभव रहा होगा, क्योंकि आपकी अगर फिल्मोग्राफी देखी जाए तो आई थिंक जितने ही काबिल फिल्म उतने ही काबिल डायरेक्टर्स, ये ऐसा कुछ बाई चांस रहा है या आपने? हाँ, वो मैं लकी था, वो लकी था, लकी था, बस नहीं कह सकते, तो लकी था। तो ये छोटे रोल्स जो आप कह रहे थे, मॉनसून वेडिंग में छोटा सा रोल था, और फिर बाकी जब आपकी लोग फिल्मों की बात करते हैं तो फर्स्ट थिंग दैट पीपल डिस्टिंक्टली रिमेंबर इज आई थिंक ब्लैक फ्राइडे, तो वो सफ़र कैसा था कि छोटे रोल्स जो हो सकता है खुद आपको बहुत मज़ेदार लगते हो, लेकिन एक ऐसे रोल पे आना जब आपको सब पहचान जाते हैं कि दिव्येंदु भट्टाचार्य इज हियर, तो वो सफ़र जो था स्टार्टिंग का बॉलीवुड में वो कैसा था, कुछ साल जब छोटे मोटे रोल्स कर रहे थे बिफोर योर लॉन्च ऑन द स्क्रीन टू से? यार वो छोटे रोल्स का ना, हाँ शुरू शुरू में आके तो आपको मतलब जो कि यू आर नॉट लाइक नो, ऐसा तो नहीं है कि आपके पीछे बहुत बड़ा इंडोर्समेंट है और आप किसी कोई लॉन्च होने वाला है हीरो टाइप्स, तो ऐसा तो था नहीं हमारे साथ,
हम तो हम तो एक्टर्स है, तो एक्टर्स की जिंदगी में बहुत सारी मतलब अब उसको काम करना होता है, वो इंडस्ट्री में अपना आया है तो उसको मार्क छोड़ना है, तो ऐसा स्पून फीडिंग तो था नहीं, तो काम के जरिए काम मिलता रहा हमको। तो छोटे रोल से हमने साबित करना शुरू किया कि यार कि ये एक्टर अच्छा है, तो ये थोड़ा और भी भारी रोल इसको दिया जा सकता है। तो ऐसे करते 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 ये आप ग्रो करते हैं, और ठीक है, आई एम गुड विद दिस प्रोसेस। तो अब जरूरी थोड़ी ना कि सबको एक बार में रिकॉग्निशन मिल जाए और समथिंग रहता है, और मुझे रिकॉग्निशन बहुत बार मिला, छोटे काम से भी मिला है, बड़े काम से भी मिला, तो ओके, इट्स गुड। आई नो दिस गेम अबाउट इट, कोई ऐसे ड्रग्स नहीं है, कोई फ्लिप नहीं करता वैसे चीज़ों को लेके। हाँ, जब हमेशा काम करता रहा है, हमेशा ही अच्छा रोल करने की कोशिश करता रहा, और लोगों ने हमेशा सराहा, हमेशा पसंद किया। एक एक जो डायरेक्टर फिल्मोग्राफी की बात कर रहे थे, तो एक आपको कभी आप ऐसे पीछे मुड़ के देखते तो आपको लगता है कि एक खास तरीके के सिनेमा में आप रहे हैं, मतलब कुछ लोग हो सकता है उसको आर्ट कह दें, कुछ लोग नॉट कम्प्लीटली कमर्शियल सिनेमा कह दें, जैसे मकबूल ऐसे फिल्में हैं, ब्लैक फ्राइडे है, लुटेरा है, देवडी है, ये खास तरह की फिल्में हैं जो डायरेक्टर्स भी उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल सिनेमा के तौर पर से भी मैं इसको देख सकता हूँ। तो इन योर लेटर पीरियड डिड यू बिकम चूजी विथ योर रोल्स, या आपको लगा कि नहीं मुझे अच्छे ही काम अच्छा ही करना है, अच्छे ही डायरेक्टर अच्छे ही तरीके के सिनेमा के साथ काम करना है? समझ में नहीं आता अच्छे तरीके, मतलब मतलब कि ये आप, सारे अच्छे तरीके से है ना, हाँ मतलब आपने रोल्स चूज किए या यू आर लकी टू गेट दीज रोल्स विच टर्न आउट टू बी वेरी डिफरेंट रोल्स काइंड ऑफ रोल्स नहीं, फिल्म? रोल्स रोल्स चूज तो बहुत कम लोग करते हैं। जब आप बहुत बड़े स्टार हो जाते तब आप रोल चूज करते हो, अदरवाइज आप रोल रोल कैसे चूज करते हो? रोल आपके पास आता है, आपके पास ऑफर आता है, हाँ आपके पास ऑफर आता है, फिर आप उस ऑफर को आप फिर कास्टिंग डायरेक्टर, कभी कभार कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू आता है, कभी कभार डायरेक्ट आता है, तो आपको जो आया आप कर लो बस। मैंने हाँ करता रहा, मैं वो काम करता रहा, और वो चलता रहा, मतलब जो कि ऐसा रोल चूज करने की कोई बात नहीं होती। आई वाज लकी एनफ टू गेट दिस डायरेक्टर्स इन माय लाइफ, एंड तो रोल छोटा या बड़ा हो लेकिन वो आपको तो शिद्दत के साथ करना ही पड़ेगा कि वो बिल्कुल कि वो नेट प्रैक्टिस की तरह मानना पड़ेगा। वो इसी में आप परिपक्व हो जाते हैं, नेट प्रैक्टिस करते करते यू बिकम वेरी गुड प्लेयर। एक एक थोड़ा सा मैं जंप करो फिल्म से और ओटीटी को मिला के मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था कि जैसे मैं आप फर्स्ट अगर मैं अपने लेवल पे अपनी व्यक्तिगत बात करूं तो मुझे आपका बीए पास का रोल बहुत ही मतलब झकझोर देने वाला था। जो जॉनी का किरदार है लास्ट सीन में आता है वो, और एक मूवी जो इतनी अच्छी चली और अंत में आप 10 मिनट के लिए अनसेटल्ड हो जाते हो जॉनी के बिट्रेयल से जो वो सिनेमा में होता है। तो एक ये है कैरेक्टर, एक क्रिमिनल जस्टिस में आप जब तालुकदार को देखते हो सकता है वो अपने हालातों से वैसा बना है, बट आपको एक तरीके से घृणा आती रहती है बीच बीच में उस आदमी से कि ये मतलब कैसा आदमी है। फिर अभी मैं अनदेखी देख रहा था, तो अनदेखी में जो डीएसपी वरुण का कैरेक्टर है, तो आपको लगता है यार पुलिस वाला होना तो ऐसा होना चाहिए, मतलब ऐसे पुलिस वाले के साथ मजा आ जाए। तो बेसिकली एवरी कैरेक्टर डिस्टिंक्टली कन्वेज एन इमोशन यू कैन रिलेट टू। तो आप कैसे इतनी सहजता से हर किरदार से लोगों को जोड़ लेते हैं? यार ये भी मेरा काम है, तो मतलब ये रोल्स कि इतने मैं अच्छे लिखे गए हैं या आप इम्प्रोवाइज करके वैसा उसको बनाते हैं फिर? नहीं, कैरेक्टर तो सबसे बड़ी बात है, कैरेक्टर को आपको बहुत अच्छी तरह से लिखा होना चाहिए। जो लिखे हुए कैरेक्टर्स होते हैं तभी आप उसमें इम्प्रोवाइज करके उसको अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि जो अच्छे लिखे हुए होते हैं वो इतने अच्छे लिखे हुए होते हैं कि आप उस वो आपका बाइबल टाइप का हो जाता है, वो आपका मतलब नो के ग्रामर हो जाता है। अगर वो ग्रामर आपका इतना सॉलिड है और अगर उस ग्रामर को आप इतनी अच्छी तरीके से जानते हो, तो फिर क्या है ना कि तो आप वाक्य जो होता है उस वाक्य को आप और जबरदस्त बना सकते हो, और इमोशन को और जबरदस्त बना सकते हो, कि सारी चीजों को इतना फ्लैश
फ्लरिश कर सकते हो, और लिखा सबसे बड़ी बात है लिखा होना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से, उसके बाद ही अच्छा एक्टर का काम शुरू होता है, क्योंकि जितना अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा उस कैरेक्टर के बारे में, उतना ही मेरे लिए आसान होगा कि उस कैरेक्टर के अंदर जाना पेनिट्रेट करना। तो अगर मान लीजिए एक मसलन तौर पे जो लोग देख रहे होंगे उनके लिए कि सपोज करिए जैसे आपका तालुकदार का कैरेक्टर था, आपकी परवरिश में और तालुकदार की परवरिश में जैसा लिखा गया बहुत अंतर है, तो फिर वैसे बहुत अंतर है, तो वैसे रोल्स में क्या इम्प्रोवाइज करके आप उतना बेहतरीन बना देते हैं उसको? इम्प्रोवाइज नहीं यार, मतलब उसमें क्या होता है ना कि कहीं ना कहीं बोलते ना, जैसे कि इंसान के बारे में बोला जाता है कि अर्धनारीश्वर है, कि आपके अंदर एक नारी भी है एक नर भी है, नर भी है। तो वैसे ही इंसान के अंदर ये बोला जाता है कि इंसान ही है जो है, इंसान से ही बुद्धा बुद्ध भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, इंसानी है जो रावण थे, इंसानी है जो हिटलर था, तो वो इंसानी फितरत जो है, इंसानी फितरत बहुत ही बल्टी लेयर्ड फितरत है, मतलब आप ही के अंदर है सब कुछ, आपको उस चीज को जागृत करना होता है, तो जितना जो चीज की जागृत करेंगे, कोई आपके अंदर हैवानियत को पैदा करेंगे तो आप हैवान बन जाएंगे, आपके अंदर भगवान को पैदा करेंगे तो भगवान बन जाएंगे, तो वो ही सारी चीजें है, उसी में आपको खेलना पड़ता है, कि इसलिए ये बहुत ही ये बहुत ही रिलेटिव आप कैसे रिलेट करते हो इस चीज के साथ, और आपको आपके बुनियादी तौर पे एक जगह ढूंढना पड़ता है कि अगर अगर मैं ये आदमी होता तो कैसा 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 रिएक्ट करता, तो ऐसे करते करते आप जाते हैं उसके अंदर, उसके पास सामने को खोजने की कोशिश करते, जानने की कोशिश करते, बस यही कोशिश है, तो कुछ अलग है, और आई थिंक उसी आई थिंक वो अंडरस्टैंडिंग से आप किरदार को समझते हैं और फिर उसको बेहतर करते हैं। एक चीज़ जो मुझे खुद बहुत ही स्टार्कली डिफरेंट लगी, अभी हम क्रिमिनल जस्टिस की बात कर रहे थे जिसमें एक हालात से पैदा हुआ सॉर्ट ऑफ क्रिमिनल है उसमें, फिर आपने जामतारा हो या अंदेखी हो, अंदेखी में पर्टिकुलरली एक पुलिस वाले का किरदार आपने निभाया था, मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ लगी पिछले जो कुछ वेब सीरीज में देख रहा था, चाहे अंदेखी हो जिसमें आपका किरदार है या पाताल लोक में हाथीराम का किरदार है, ये बहुत अलग किस्म के पुलिस वाले हैं, ये पुलिस वाली वो मैको पुलिस वाले नहीं है कि अच्छा इनको देख के हमें मतलब एक सिक्स पैक एब्स वाला पुलिस वाला एक सिंघम की फील आ रही है, ही इज अफेबल कॉप, यू लाइक दैट पुलिस पर्सन, तो आपको लग रहा है वो कॉन्शियस चॉइस हो रहा है पोर्ट्रेयल पुलिस का सिनेमा में दिखाने का या वेब सीरीज में दिखाने का, मतलब ऐसा कुछ प्रयास था अनदेखी में? ये तो कहानी है, सिंपल कहानी है, कहानी में आपको वो बंगाल से शुरू हो रहा है, शुरू हो रही है कहानी, तो बंगाल का एक कॉप दिखाया जा रहा है और बंगाल का कॉप आ रहा है, तो वो एक अगर मिडिल एजेड कॉप है तो इट्स बेसिकली ओटीटी प्लेटफॉर्म ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म जो है वो मोर रियल रियलिज्म पे डील, जितना रियलिज्म पे डील करता है उतना ऑडियंस को मजा आता है, इसीलिए आप देखना कि इस ओटीटी प्लेटफॉर्म में फेक चीजें लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, जो इसलिए ओटीटी प्लेटफॉर्म में आज वो फिल्में चलती नहीं है ना, जो फिल्में मतलब कि जो बिग स्क्रीन में चलती है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म में कोई नहीं देखता, बिकॉज ओटीटी प्लेटफॉर्म का ऑडियंस ही बहुत ही डिफरेंट ऑडियंस है जो कि रियल एंटरटेनमेंट की तलाश में रहते हैं उनका, और बहुत डिफरेंट ऑडियंस है, आपके घर में बैठ के लोग देखते हैं आजकल का कंटेंट भी, देखिए कंटेंट भी उस तरीके से रियल कंटेंट को देखी जा रही है, जो कंटेंट ड्रिवन इंडस्ट्री है, कंटेंट इज द किंग, तो लोगों को अब वो शैलो ह्यूमनिस्टिक स्टोरी और ह्यूमनिस्टिक फिल्में अच्छी नहीं लगती, तो वो है तो असर बदलाव है एक्चुअली, अच्छी बात है। So there's a lot of depth. आप कह रहे हैं शैलो चीजें पसंद नहीं है, इसमें depth है काफी। हाँ, वो depth वाली चीजें लोगों को पसंद आती है, क्योंकि लोगों के पास लोग घर में बैठ के अपने टाइम में देखते हैं, उनको डिस्क्राइबटिव जो चीजें है, मतलब कि जैसे कि सिनेमा 2 घंटे में खत्म हो जाता है, पूरा वेब सीरीज एक साथ मिलकर बैठ के देखते हो 4.5-5 घंटे लगता है, तो लोगों को ज्यादा मटेरियल भी मिलता है, ज्यादा क्लैरिटी के साथ काम करने का मौका मिलता है एक्टरों को, टेक्नीशियंस को, डायरेक्टर को, सबको, इसलिए ऑडियंस को भी बड़ा मजा आता है, काफी अच्छी तरीके से किया होता है, सारे कैरेक्टर्स को अच्छा राउंड अप दिया जाता है, अच्छा बहुत सारे किरदार आपको देखने को मिलता है, तो ये हीरो ड्रिवन नहीं है, एक हीरो को आप देखे जा रहे हो, तो
तो चाहे वो परफॉर्म कर भी ना पा रहे हो, नहीं कर रहे हो, आपके पास कंपल्शन ये है कि आप उसकी पिक्चर टिकट खरीद के देखने गए आप, लेकिन आपको 2 घंटे बैठे रहना पड़ेगा क्योंकि वो आपको दे नहीं रहा। तो ये वो वाली इंडस्ट्री नहीं है जहाँ इसमें कंटेंट के साथ काम चल रहा है। तो बहुत बदलाव है, बहुत सारे बहुत डिफरेंट फॉर्मेट है, तो आजकल इसलिए इसलिए चलता भी नहीं है आजकल। और आप देख ही लीजिए ना कि आपको रिसेंट हिस्ट्री में पता चल जाएगा कि कौन सी वेब सीरीज चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है। बिल्कुल। तो अच्छा, एक एक मैं कहीं देख रहा था, आपसे किसी ने पूछा कि आपका फेवरेट ड्रिंक क्या है, तो आपने कहा है कि मैं पसंद तो सिंगल मॉल्ट करता हूँ, नहीं रहता है तो ओल्ड मॉन्ग पसंद करता हूँ मैं। तो ये जो डिस्क्रिप्शन था आपका, वो तो आपके लिए मतलब ओटीटी को मैं मानूं कि ये सिंगल मॉल्ट है, ओल्ड मॉन्ग है, आप कैसे आंकेंगे इसको? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। वैसे तुम्हारा अगर देखा जाए तो वो तो ड्रिंक पर्टिकुलर ड्रिंक के दारू की बात की थी, अदरवाइज हाँ, मेरा फेवरेट ड्रिंक पानी है। मैं दिन में अच्छा। लगभग 4.5 लीटर पानी पीता हूँ। मैं बहुत ज्यादा शौकीन हूँ पानी का, मतलब मैं पानी बहुत पीता हूँ। तो हाँ, अगर दारू की बात है तो वो कोई अगर पूछे कि दारू कौन सा दारू, मैं सिंगल मॉल ऑफ को सिंगल मॉल, तो दारू का मैं शौकीन हूँ, सिंगल मॉल पीऊंगा। और ओल्ड मॉन्क क्या, ओल्ड मॉन्क से तो पैदा हुआ जन, मतलब आप वो सबसे सस्ती चीजें रम है, मतलब अभी भी उठा के पी लिए बचपन में कॉलेज लाइफ में। हाँ, क्लासिक है वो। हाँ, तो बट हाँ, बट वो ऐसा मतलब आप ओटली प्लेटफॉर्म वो ऐसा ऐसा क्या, मतलब अपना मेरे लिए क्या, मेरे लिए थिएटर भी उतना इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब मैं कोई प्ले करता हूँ। तो ओटीटी प्ले थिएटर सिनेमा, काम अच्छा हो तो कहीं भी मजा आता है, जो काम करने में फिर आपको मजा आता है, वो काम अच्छा हो, कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, किरदार अच्छा होना चाहिए, माहौल अच्छा होना चाहिए, और वो काम क्लिक करते पर बस माशाल्लाह क्या चाहिए। और क्या चाहिए, दर्शकों को भी इतना ही चाहिए। दादा, एक सवाल था, और आई थिंक ये बहुत सवाल हो सकता है नेचुरल, और कितना बुलवाओगे मेरे से बस थोड़े एक दो चीज पूछ रहा क्या मैं। था, एक एक जाते जाते, कि बेसिकली जो हमारा सिनेमा रहा है, इट हैज़ बीन वेरी फोकस्ड ऑन द लुक ऑफ एन एक्टर, कि उनको एक चाहिए, एक मेट्रो सेक्सुअल मैन चाहिए, गोरा चिट्ठा आदमी चाहिए, बॉडी बिल्डर चाहिए। तो उस इंडस्ट्री में एक अलग तरीके, एक कलर के साथ आना, कुछ ऐसे चैलेंजेस रहे इसके? हाँ, तुम रंग की बात कर रहे हो ना, हाँ, रंग रंग के। मतलब रेसिज्म, रेसिज्म हाँ मतलब रेसिज्म, देखो रेसिज्म ह्यूमन ह्यूमन रेस के कोर कोर में बैठा हुआ है। तो रेसिज्म के बारे में आप कैसे बात कर सकते हो? रेसिज्म एक ऐसा रेसिज्म है, रेसिज्म एक ऐसी चीज है कि आप सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट की बात नहीं करते हो, आप फीचर्स की भी बात करते हो, आप रिलीजन की भी बात करते हो, आप रीजन की भी बात करते हो। तो रेसिज्म तो एक बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा इशू है। उसमें रंग रूप तो मतलब ना कि वो तो बचपन से, मतलब वो तो उसे स्कूल में सिखा देना चाहिए कि बच्चा, कोई भी बच्चा जो है घर में आके कोई उसके बाप भी बोला है वो कितना काला है, तो बच्चा सुन लिया कि वो कितना काला है, तो बच्चा कल स्कूल में जाके बोल दिया कि यार तू तो कितना काला है। तो ये बाप को सबसे पहले बाप माँ बाप को पढ़ाना पड़ेगा ना, माँ बाप को शिक्षित करेंगे, शिक्षित करेंगे तो फिर बच्चा सीखेगा ना। तो ये तो पाठ्य पुस्तक जो है ना, बचपन की जो किताबें हैं जो अपना जो प्राइमरी सेक्शन में, उधर ही ये रेसिज्म के बारे में आपको सारी चीजें डिस्क्लोज कर देना चाहिए कि व्हाट इज, व्हाट इज बैड, व्हाट इज रॉन्ग। तो ये ह्यूमन सिविलाइजेशन में, मतलब हमारे में और हिंदुस्तान में तो बहुत कोर कोर में बैठा हुआ है, क्योंकि हिंदुस्तान में तो हमारे तो देखिए आपको रीजन का भी रेसिज्म मिलता है कि किस प्रांत से है, तो किस प्रांत से है, तो किस प्रांत से, यहाँ भी वो उस लेवल का रेसिज्म होता है। और उसके बाद ये कलर वलर तो मतलब कि हिंदुस्तान में सबका कलर जो है ब्राउन है, मैं ज्यादा ब्राउन हूँ, अब कम ब्राउन हूँ, उसके चलते भी यहाँ 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 श्री कृष्ण जो है काला है, काना है, जो कृष्णा है, अब सीरियल में जब जाओगे तो गोरा गोरा कृष्णा आपको देखा है, दिखेगा। बिल्कुल। तो आप तो मान ही नहीं पाते हो, आपको 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 साफ सुथरा, साफ सुथरा आपको आप प्रोटैगनिस्ट, जो आपका जो प्रोटैगनिस्ट है जो आपके लिए खड़ा रहता है, आपके जो कहानी के जो प्रोटैगनिस्ट है वो काला, आप तो सोच ही नहीं सकते, काला मतलब विलेन, यू नो, तो काला तो मतलब विलेन। तो
इसके साथ आप ये क्या करोगे? मैं कोई शिक्षक तो नहीं हूँ, मतलब इस मामले में मैं कोई स्पिरिचुअल स्पीचर प्रीचर नहीं हूँ, मैं कोई सोशल प्रीचर नहीं हूँ, मैं एक एक्टर हूँ। तो जो चीज है, जो चीज मतलब जो समाज में तो पसंद करते, मतलब वो जो चीजें मेरे हाथ में नहीं है उस चीज के बारे में मैं कभी जिंदगी में नहीं सोचा। ये जिसमें हाथ में नहीं है यार, मतलब उसमें क्या है, मतलब मैं अब इस पर क्या कर सकता हूँ? तो समाज ऐसा ही है। तो मैं ऐसी चीजों में मैं बिल्कुल अपने आप को उलझन में नहीं रहता। वो काम जिनका काम है, जिनको और कुछ नहीं आता, वही चीजों में। अच्छा दादा, आपकी अगली सीरीज आ रही है द गॉन गेम, व्हाट इज इट अबाउट, क्या है उसमें, क्या मजेदार फिर हमारे सामने यार गॉन गेम के बारे में? गॉन गेम के बारे में अभी बहुत ज्यादा कुछ बता नहीं सकता है अभी, तो इसका रिलीज प्लान लान ये सब कुछ क्रिएटिविटी जो चलता है वो आजकल आपको पता है ना कि एक चीज जब होती है बहुत इस तरीके से होती है। पर गॉन गेम के बारे में ये बता सकता हूँ कि एक चीज है, ये बहुत उस हिसाब से बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सीरीज है, बिकॉज द होल सीरीज इज कंसीव्ड प्री प्रोडक्शन शूटिंग पोस्ट प्रोडक्शन सब कुछ इस लॉकडाउन में हुआ। So in that sense it's a very special project and or वो भी without meeting anybody, like shooting on actors अपने आप को shoot किया और creatives भी सारे सब zoom call में सब ये उसमें हुई है। तो it's a one of a kind series जो कि बहुत interesting है, जो आपको बहुत देखते हुए I hope that watch it, देखने में बड़ा मजा आएगा लोगों को। आई थिंक कम्प्लीटली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। जाते जाते एक सवाल दादा जो मेरे मन में था, आप अनदेखी में गाना बहुत गुनगुनाते हैं, सो आर यू एक्चुअली गुड सिंगर? अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही गुनगुना रहता था कभी कभार। वो कैरेक्टर का पार्ट भी था, तो आप ऑफकोर्स थोड़ा सा उस चीज को जस्टिफाई तो जस्टिस तो करना ही चाहिए। बहुत बहुत अच्छा था वो, आई थिंक दैट एडेड एन एक्स्ट्रा एलिमेंट ऑफ कैंडिडनेस टू द कैरेक्टर। तो थैंक यू दादा, मतलब काफ़ी मज़ा आया बात करने के लिए। बहुत सारे और मेरे हिसाब से और सवाल होंगे और आई थिंक यू विल बी आंसरिंग देम इन द ड्यू कोर्स, बट यू लुक वेरी टायर्ड क्लियरली, इट लुक्स लाइक आप शूट से भी आए हैं, इतना समय निकाला और हमसे भी बात किया। हाँ मतलब मैं तो शूट था तो फिर किया फिर आज रात को कर लेते। ठीक है, थैंक यू दादा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।